नमस्कार दोस्तों पिछले दो वीडियो में हमने पहले चरण पर चर्चा की थी कि कैसे अपनी एमिन प्रोसेस को स्वचालित बनाया जाए अगले वीडियो में मैंने चरण संख्या दो पर चर्चा की जो कि सही ट्रिगर ऑपरेशन क्या है और इसे स्वचालित कैसे बनाया जाए इस वीडियो में जैसा कि वादा किया गया था हम तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण कदम पर चर्चा करेंगे जो कि गोली चलाने के बाद से पहले अपने स्वचालित ट्रिगर ऑपरेशन पर दिमाग को 100 परसेंट केंद्रित रखना है इसे मानसिक फोकस फॉलो थ्रू ऑन ट्रिगर ऑपरेशन कहा जाता है और यह सबसे कठिन पहलू है क्या मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसा क्यों है अपने मन को एक विचार किसी एक विचार पर केंद्रित रखने का प्रयास करें किसी भी चीज के बारे में सोचें अपनी आंखें बंद करें आप कितने सेकंड तक अपने दिमाग को सिर्फ एक विचार पर केंद्रित रख सकते हैं यह बहुत मुश्किल है क्योंकि जब आप अपना दिमाग एक विचार पर केंद्रित रखते हैं तो अन्य विचार उस विचार से टकराते रहते हैं और आपका ध्यान एक विचार से दूसरे विचार पर भटकने लगता है जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज मेरे वीडियो में याद रखें लेवल एक लेवल दो लेवल तीन आदि लेवल वन शूटर वह शूटर होता है जो टर्न्स की पंक्तियों को शूट करता है क्योंकि उसे अपने दिमाग को सिर्फ एक चीज पर केंद्रित रखने में महारत हासिल है जो कि ट्रिगर ऑपरेशन है और यह तीसरा भाग तीसरा चरण है जो मानसिक कौशल के साथ भी ओवरलैप होता है याद रखें उस ग्राफ में मैंने आपको पाई चार्ट दिखाया था 90 परसेंट मानसिक कौशल है इस पांच प्रतिशत का एक हिस्सा तकनीकी कौशल है और अंतिम भाग तकनीकी कौशल का तीसरा चरण मानसिक फोकस है जो 90 परसेंट मानसिक कौशल के साथ ओवरलैप होता है अब जब तक आप उचित ट्रिगर फॉलो थ्रू प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आप अपने दिमाग को 100 प्रतिशत केंद्रित रखने का प्रबंधन कैसे करते हैं इसके लिए फिर से आपको एक बहुत अच्छे प्रशिक्षक की आवश्यकता है जो आपको ये सभी चीजें सिखाएगा या दूसरा आप मेरे साथ आ सकते हैं और प्रशिक्षण ले सकते हैं मेरे मॉड्यूल की सदस्यता ले सकते हैं मेरी वेबसाइट पर आ सकते हैं और मैं सिखाऊंगा कि आप ट्रिगर ऑपरेशन पर अपना ध्यान कैसे केंद्रित रखें एक बार फिर मैं तुम्हें एक संकेत देता हूं आपको अपनी सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करना होगा भारतीय परंपरा में जैसे जैसे आप तव, त्राटक अनुलोम विलोम का अभ्यास करते रहते हैं एकाग्रता का स्तर बढ़ता जाता है और यह एकाग्रता स्तर वह है जिसे हम ट्रिगर निष्पादन में लेते हैं टीवी अभ्यासों का उपयोग करके हम बहुत उच्च स्तर की मानसिक एकाग्रता बनाए रखते हैं शॉर्ट फायर होने से पहले उसके दौरान और बाद में ट्रिगर ऑपरेशन पर मानसिक ध्यान केंद्रित करते हैं इसे फिर से उन्नत प्रशिक्षण पद्धति मॉड्यूल संख्या चार और मॉड्यूल पांच में समझाया गया है जो मानसिक कौशल है तीसरी चीज जो हम उपयोग करते हैं वह एआर टेम्पलेट संवर्धित वास्तविकता टेम्पलेट हैं, जिनकी चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में से एक में की है जो YouTube पर है इन सभी तकनीकों का उपयोग करके हम शूटिंग का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू सीखते हैं कि कैसे अपने दिमाग को केवल एक कार्य पर केंद्रित रखें जो कि ट्रिगर ऑपरेशन है अगले वीडियो में हम मानसिक कौशल पर चर्चा करेंगे और एक लेवल वन निशानेबाज की तरह मन को केंद्रित रखने के विभिन्न तरीके सीखेंगे तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को शेयर करें और यदि आपके कोई प्रश्न हो तो मुझसे संपर्क करें धन्यवाद आपका दिन शुभ हो